सभी दर्शकों को नमस्कार। जानते हैं रंगों के उत्सव की शुरुआत कैसे हुई थी और श्री कृष्ण तथा राधा रानी का इससे क्या संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की किशोरी राधा रानी से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। यही कारण है कि आज भी ब्रज में धूमधाम से होली खेली जाती है। लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली और अबीर की होली जैसे कई नामों से इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात की शिकायत श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कई बार की और मैया उन्हें समझा बुझाकर टालती रही, लेकिन जब वह नहीं माने तो मैया ने यह सुझाव दिया कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पे लगा दो, तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। नटखट कृष्ण को मैया का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने मित्र ग्वालों के साथ मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग डाल लगाने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए थे और कृष्ण ने साथियों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी यह शरारत बहुत पसंद आई और तब से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया, जिसे आज भी उसी उत्साह के साथ खेला जाता है।